हाय, मेरा नाम अल्फाज खान है। मैं पर्सनली यूपी से बिलोंग करता हूँ। मोहब्बत में तो बहुत लोग शायरी लिखते हैं, बट मेरा शायरी देश के हालात पर है जो इस टाइम चल रहा है। आप बस सुनिएगा मेरे अल्फाजों को। शायरी कुछ इस तरह की थी कि कोई हिंदू तो कोई मुसलमान बन रहा है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान बन रहा है, इंसान की औलाद इंसान नहीं बन रहा है। एक ऐसा दौर आ रहा है मौला, धर्म के नाम पर गला काटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा शायरी था कि जैसे किसी का घर छीन लिया जाता है, कोई आजकल जात बिरादरी देखकर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने कुछ उस पर लिखा था कि कोई सो गया चैन से अपने महलों में तो कोई रात भर सिसक रहा था, कोई सो गया चैन से अपने महलों में तो कोई रात भर सिसक रहा था। उस बच्चे की जात पूछी जा रही थी जो रोड से भूख पर तड़प रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने अपने देश के हालात पर लिखा है क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, कि कुछ इस कदर से हिला हुआ है अंदर से ईमान मेरा, कुछ इस कदर से हिला हुआ है अंदर से ईमान मेरा, अलग थलग भागों में बट गया है पूरा हिंदुस्तान मेरा। बहुत शुक्रिया। जैसे कि बारिशों का मौसम आ रहा है, तो मैंने उस इंसान पर लिखा है कि जिसके पास आसियाना नहीं होता है रहने का, तो बारिशों के बूंदों को आप देखे हो कभी, भीगे हुए घरों को आप देखे हो कभी, बारिशों के बूंदों को आप देखे हो कभी, भीगे हुए घरों को आप देखे हो कभी, आप तो सो जाते हो चैन से अपने महलों में, गीले बिस्तर पे रात गुजारी है कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने कुछ इस कदर से लिखा गया था, जो हाल में ही किसी का आसियाना उजाड़ दिए, तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स को, मैं बस सौहार्द और भाईचारे की बात करना चाहता हूँ कि किसी का आसियाना छीन लिया गया तो किसी की दुनिया उजाड़ दी गई, किसी का आसियाना छीन लिया गया तो किसी की दुनिया उजाड़ दी गई। ए तेरे मुल्क में कैसा कहर मौला, किसी को अरबों रुपये दिया गया तो किसी की रोजी रोटी छीन ली गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगला मैंने लिखा था कि अब तो इंसाफ से भी डर लगने लगा है, उनका नाम लेना सजा हो गया है। मैंने नेताओं के ऊपर लिखा है कि अब तो इंसाफ से भी डर लगने लगा है, उनका नाम लेना सजा हो गया है। जिस हिंदुस्तान की मिट्टी से सोना निकलते थे, उस हिंदुस्तान की मिट्टी को बंजर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तवज्जो चाहूँगा अगली शायरी के लिए। मैं बस एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। जिस भाई को मेरे अल्फाज अच्छे लगते हो, उसे एक्सेप्ट करिएगा कि मुनाफे की चाहत रखने वाले घाटे का सौदा नहीं करते। पॉलिटिक्स लीडरों के ऊपर लिखा है कि मुनाफे की चाहत रखने वाले घाटे का सौदा नहीं करते, आप हिंदू हम मुस्लिम आपस में कट भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ा करते। बहुत शुक्रिया। तो लास्ट जाते जाते मैंने कुछ हिंदुस्तान पे लिखा है और कुछ अपने भारतीय जवान पर लिखा है जो इस टाइम चल रहा था हाल फिलहाल में, कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं हम हक की बात करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं हम हक की बात करते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान की उन्नति की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।